हे व्हाट्स अप गाइस। तो आज हम रेड गेम प्ले खेलेंगे जो कि बैलेंसिंग एक्ट की है। तो देख लेते हैं मैंने अभी तक कितने नोट कंप्लीट किए हैं, और यार टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं ऊपर वाले सारे नोट कंप्लीट कर देता। तो आज हम ट्राई करेंगे कुछ नोट कंप्लीट करने की, और अच्छा दो तीन लेजेंडरी शार्ट निकालने की। तो देखते हैं हम कौन सा वाला बेहतर है, कौन सा करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि मेगाजॉर्ड मतलब मेरे पास दो ही अपग्रेड हैं, तो उनका डैमेज देने के बाद वो जल्दी से रिफ्रेश होके आ जाएंगे ना। तो पहले ये दे देते हैं दोनों, उसके बाद हीरोज़ का खेलते हैं ना। मेगा गोल्डार, स्ट्राइक, ब्रिक मारिस। ओ यार डिफेंस दे देता है ये बहुत तगड़ा। ठीक, इसके पास सभी डिफेंसिव अटैक और ब्रेकर हैं, एक आधा स्ट्राइक है शायद, एक स्ट्राइक है शायद, बाकी दो ब्रेकर दो डिफेंस है मेरे ख्याल से। तो बच कर रहना पड़ेगा, अच्छा रहेगा कि मैं यहीं से मारूं, क्योंकि पास में गया तो ये निपेट देगा, क्योंकि सारे इसके मूव जो हैं वो शॉर्ट रेंज है, एक ही है जो फुल रेंज है, वो क्या बोलते हैं अपना स्ट्राइक वाला, यही वाला। हाँ उसमें भी लात पड़ गई इसको, तो कोई चक्कर नहीं, वो बच गया भाई। डिफेंसिव दिया था इसने पर मैंने ब्रेकर दे दिया तो काम हो गया। ठीक है, अगर ये एक बार ऐसे मतलब ऑफलाइन सा खड़ा हो जाए ना, उसके बाद इसको धो डालेंगे अपन। तो ट्राई कर रहे हैं कि इसको नॉक करने का, मतलब नॉक मेरे ख्याल से हो भी गया ये, अब हिलेगा नहीं वहाँ से, मूव भी नहीं करेगा एक भी। तो अब अपन पास जाके एकदम स्ट्राइक और ब्रेकर का डैमेज देते हैं इसको तगड़ा वाला, क्योंकि अपने पास 40-45 सेकेंड है अभी, तो अच्छा डैमेज दे सकते हैं हम इसे। तो भाई अगर हाई लेवल के जो नोट रहते हैं उन वो अगर ऐसे ऑफलाइन से चले जाते हैं तो उन्हें कंप्लीट करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हमें परेशान भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये प्रो के जैसे मतलब प्ले करते हैं ना, तो फिर 4-5 यार एनर्जी खर्च हो जाती है एक नोट को कंप्लीट करने में, क्योंकि उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा होती है, और ऊपर से वो खेल भी बहुत अच्छा रहे होते हैं, पता नहीं यार कैसे इतना अच्छा खेल लेते हैं, पर यार हमसे तो अच्छा ही खेल रहे होते हैं। फिलहाल तो ये ऑफलाइन है, और जहाँ तक मैंने से 6 6 हज़ार मतलब 6 लाख का डैमेज ऑलमोस्ट दे दिया है, देखते हैं कितना दे सकते हैं। और अब क्या एक किक और पड़ सकती, नहीं पड़ी तो कोई नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 7 या 6 लाख का डैमेज उसे दे दिया है। तो देखते हैं भाई कितने परसेंट दिया, 8,40,000। ठीक है, 43% हमने डैमेज दे दिया है, तो दो दो बार में और कंप्लीट ये हो जाएगा। तो ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं और अभी रेंजर्स का खेलते हैं, मतलब तो इसको करते हैं बाद में, तो अभी खेलते हैं हम, नहीं ये तो बाद में खेलेंगे, इसको एक चांस में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ड्रैगन खेलते हैं तगड़ा, और एलर्जियन ही सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि ड्रैगन के साथ स्ट्राइक बहुत है, तो एलर्जियन ही सही है, एलर्जियन से ही खेलेंगे। ठीक है, तो स्ट्राइक बहुत है, देखो 4 स्ट्राइक हैं, 2 असिस्ट, 2 लीडर की, तो इलेक्ट्रिक नहीं बेस्ट थी मेरे हिसाब से। अब जितना हो सके हमें बच के रहना, क्योंकि भाई ये ऑफलाइन तो कतई नहीं होने वाला, हीरो बहुत कम ऑफलाइन होते हैं, और मेगाजॉर्ड थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि यार उनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और हेल्थ तो आपको पता ही है लाखों में होती है, मिलियन में होती है एक्चुअली, यार देखा जाए तो लाखों में क्या। स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक है अपने पास, वो भी दे डालते हैं इसके ऊपर। और यार रेड खेला करो यार गाइस, सभी लोग, मैं अपने अलायंस मेंबर से भी कहना चाहूँगा भाई खेलो यार रेड, खेलो अपनी रैंक लेके आओ, और आप अच्छा अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हो, हीरोज़ के शार्ट ले सकते हो यार, एसेंसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और हीरो भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं कई बार, तो खेलो रेड। और अलायंस रेड तो इस बार तबाही आएगी, क्योंकि सबको मैं बोल रहा हूँ कि अलायंस रेड खेलो, तो ट्राई करेंगे कि बेस्ट दें अलायंस रेड में। फिलहाल तो हम फोकस करते हैं इसके ऊपर, इन डायग्राम ख़त्म कर देगा भाई एलर्जी को। तो ठीक है, अभी हम भी स्ट्राइक स्पैम करते हैं एक आधा, क्योंकि बबल शॉट का डैमेज भी अच्छा है, और ओ ठीक है बैक, ठीक है पड़ गया स्ट्राइक अपना, वो भी ब्रेकर, इस बार तो नहीं ख़त्म हो पाएगी क्योंकि 20 सेकेंड रह गए, अगली बार पक्का ख़त्म हो जाएगी। भर जा, ब्लॉक कर दी का, आ जा बेटा स्ट्राइक मारो, बहुत तबाही। एक और डिफेंसिव, बहुत तबाही। ओ नहीं 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 ओ यार शुट, यार तीस काम खत्म, अब ले गई, डिफेंस भी नहीं हुआ ना मेरा, काउंटर दबाई नहीं यार। तो कोई चक्कर नहीं, जहाँ तक हमने दे दिया इसको 4-5 मिलियन का डैमेज, 67%,
इस बार खा जाऊंगा पूरा हजम, ठीक है। और एक लेजेंडरी निकालते हैं, इसमें से तगड़ा लेजेंडरी एक निकलेगा, देखो कौन सा निकलता है। किक, टिटेनियम, बूम। अरे भैया किक, देखा कितने प्रो है यार। मतलब इतना तो हम लोग नहीं खेलते हैं कि आगे जाके पीछे स्वाइप कर जाए, इतना तो ये लोग खेलते हैं। रेड वाले कितने टैलेंटेड यार होते हैं। मैं बॉट तो नहीं होते, ये फिलहाल ऑटो प्लेयर्स होते हैं, पर फिर भी बड़ा तगड़ा खेलते हैं यार। बूम, ठीक है काट डाला। एक और पड़ेगा इनको हथौड़ा, ब्लॉक। चलो तगड़ा, एक ब्लॉक पड़ा था, लेकिन ये ब्लॉक करने के बाद मेरा ये फील नहीं हो रहा था, तो अब एक ही मूव हो पाया। देखो कॉम्बो ही नहीं बना, वो आगे ही नहीं आया। वाह, वैसे बड़ा उछल कूद करेगा फिर आगे ही नहीं आया, बहुत सही मिस करा दिया इसने। बूम, लगता है ये ले जाएगा यार, ले जाएगा, हेल्थ नहीं रह गई है, ले गया तो कांड हो जाएगा, पड़ गया तो कांड। मर गया, मर गया भाई, मर गया, मर गया। अब तो मैं गया, बूम लो ख़त्म ही कर देगा अब ये। पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है, क्योंकि हेल्थ नहीं है टाइटेनियम रेंजर की, थोड़ी सी ही है बस, कोई दिक्कत नहीं। दो एनर्जी वेस्ट हो चुकी हैं, अब थर्ड वाले में तो कंप्लीट करना ही है यार। लेवल 13 का इतना हार्ड खेल रहा है, देखो ड्रैगन अगर लेवल 18-19 का रहेगा तो पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। एस्ट्रोनामा मारेंगे और ले लेंगे इसको, ठीक है। एस्ट्रोनामा का भी ज़्यादा हेल्थ नहीं है यार, तो आप मेक श्योर ऐसा लीडर लेके जाया करो जिससे कम से कम 40,000 हेल्थ हो, क्योंकि 30,000-35,000 वाले टिकते नहीं है, 40 प्लस होनी चाहिए, 50 के ऊपर ही ऊपर, क्योंकि यार इन जो नोट का जो डैमेज रहता है जब मारते हैं ये लोग, तो डैमेज बहुत तगड़ा देते हैं, 15,000-20,000 ऐसे एक एक मूव का डैमेज देते हैं, तो एक कॉम्बो में हम ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए मेरे को तो अटैकर वाला ज़्यादा सही लगता है रेड, क्योंकि उसमें मेरा किम्बरली हार्ट आती है, उसका 1,00,000 प्लस डैमेज होता है, चाहे मतलब खेलूँ चाहे ना खेलूँ, 1,00,000 प्लस उसका डैमेज रहता है, तो मस्त आता है मज़ा उसमें। एक कॉम्बो में 2,00,000 का डैमेज जाता है अगर क्रिटिकल पड़ गया तो। बूम, ब्लॉक, ओ भाई पड़ गया, चलो ठीक है तगड़ा। मुझे लगा ब्लॉक लेगा, लेकिन लेता तब भी पिल जाता, क्योंकि ब्रेक कर मारा था हमने। तो फाइनली हमें मिला है लेवल 13 का बॉक्स, और अब देखते हैं कि इसमें मिलता क्या है। आजा मेरा बॉक्स, बूम खोलो, कलेक्ट ऑल, रिप। मिला एरिक मेयर्स, जो कि कतई नहीं चाहिए था, मुझे लगा आदम वगैरह अपग्रेड के चक्कर में दे देंगे या डैगरन देंगे, पर वो भी अभी लेवल 3 नहीं हुआ है ना, तो मुझे लगा शायद से डैगरन दे दें, कोई चक्कर नहीं, अभी लगाते हैं। किया प्लस कलुआ मतलब जैकोपी, क्योंकि इसका ब्लैक का डैमेज अच्छा हो जाएगा, 48 हो गया, बहुत तगड़ा, इतना बहुत है, और क्या चाहिए यार। रियान में कल के पास सभी स्ट्राइक है, अपने पास सभी ब्रेकर, जो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं हम, ऐसा लग रहा है, ज़्यादा देर टिक जाए ये बड़ी बात है। स्ट्राइक पेलेगा 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 पेलेगा, स्ट्राइक ही पेलेगा, आ जा, नहीं मारेगा, हम मारते भाई, ठीक है। डंडा हिला दिया, डंडा घुमा दिया एक बार, ले बच गया भाई, मुझे लगा स्ट्राइक मारी इसने, बच गया, अब मारी स्ट्राइक, ठीक है। एक तो दोनों असिस्ट इसके जब स्पॉन होते हैं तो एक ही कलर है दोनों का, ब्लैक ब्लैक तो गोल्ड, ठीक है। स्पैम होते ही दोनों में पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्ट्राइक आ रहा है, कौन सा ब्रेक करा रहा, वो तो एक सेकंड बाद पता चलता है जब ऊपर मार्क नहीं आता येलो और रेड ऐसा, तब पता चलता है कि ब्रेक करा। बूम, अरे यार मेरा ही लग गया भाई, फिर से पैरालाइजर मार, अरे यार शिट, ये तो ले गया डिफेंसिव, कांड हो गया। एक और मार दी भाई, अब तो नहीं दे पाऊँगा, सुपर मोड बेकार कर दी इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाए हम, चलो अफसोस तो नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा तो ले गया हूँ मैं, 3-4 मिलियन 3-4 लाख मतलब डैमेज तो दे चुका हूँ, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट वाले में। तो अब ब्रेकर के साथ में डिफेंस मतलब ब्रेकर के साथ स्ट्राइक लेके जाना चाहिए था, और स्ट्राइक के साथ में एलर्जियन जैसा कुछ लेके जाना चाहिए था, तो मैं भी यार स्ट्राइक के सामने ब्रेकर लेके चला गया, क्योंकि उसका डैमेज ज़्यादा था यार, डैमेज ज़्यादा होने से क्या होता है जब ब्रेकर है और स्ट्राइक के सामने पड़ेगा ही नहीं। तो अपन लेके जाएंगे डॉगी क्रूगर, इसका डैमेज भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, रियान को निपटा पाएंगे या नहीं। 3, 2,
ब्रेक कर, कैद कर दो इसको डब्बे में, इसको डब्बे में बंद करो साले को। बहुत उछल रहा है इतनी देर से। जस्टिस कॉम्बो पहलते हैं? नहीं, ओह शुक्र है मुझे लगा ने मार बच गया। ओह शिट ब्लॉक कर दी यार, इतना फास्ट मूवमेंट हो रही है। देखो इसने स्ट्राइक मारा, मैंने इसने ब्रेकर मारा, मैंने स्ट्राइक आउट किया, इसने तुरंत से फिर वो मार दिया ब्लॉक। बहुत तगड़ा हमरा पड़ा ही नहीं इनका। अगर मैं मार रहा होता ना इसका पड़ जाता तुरंत से स्ट्राइक। ठीक है जस्टिस कॉम्बो एक जम गया इसके सामने। शाडो स्लाइस नहीं भैया, अच्छा हुआ नहीं मारा। बूम शाडो स्लाइस जस्टिस कॉम्बो पड़ जाए पूरा कंप्लीट। ठीक है बहुत तगड़ा देखो, बहुत सही डिले करके मारते कोई देते। ओ यार बच गया भाई, अगर किक पड़ती तो समझ लो खर्चा। अभी भी बस 10,000 का रह गया, एक स्ट्राइक पड़ेगी और बच गया। भाई साहब क्या स्पैम कर रहा है ये काउंटर, ये देखो ले गया उछाल दिया है एक बार इसने। ठीक है पड़ गई, चलो खर्चा हो, गर्दन उतर गई ना नीचे। ठीक है लास्ट में कितना उसने काउंटर स्पैम किया, 2-3-4 लगातार जितने भी उसके पास पड़े थे सब काउंटर उतार दिए उसने। ठीक है रियान का फिनिश हो गया नोट, और पैंथम फ्यूरी मिला यार। ये तो यार पता नहीं 3-3 साल पुराने हीरोज़ के शार्ट दे रहे, कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा। अब कंप्लीट करते हैं कौन सा वाला। ठीक है ये ब्लैक मेगा ड्रैगन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें 10-12% भर जाएगा मतलब डैमेज या हेल्थ कुछ तो मिलेगी इसको कंप्लीट करने पे सारे हीरोज़ का। तो इसको करता टाइजोन का यार डैमेज कम है, पर ये स्पीडी कैरेक्टर है इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। पर इसको छालता छालता ही कितना भी मैं मार लूँ 2 लाख तो पहुँचेगा नहीं, मुश्किल ही है। लोग ब्रेकर मार दी सब, ब्लॉक रखा हूँ मैं। आओ ठीक है ब्रेकर, इसका एक मूव तो डोजेबल है, अपना एक मूव भी डोजेबल है मर के हुए आर्मर पर, उसे मारेंगे नहीं क्योंकि उसका 9,000 का डैमेज है। उसके अलावा कोई और मारूंगा तो उसका 20,000 का डैमेज है ब्रेकर का, तो वो सही है। अच्छा लो लो पिल गए, लो स्ट्राइक आउट कर दी इन भैया। ब्लैक ड्रैगन को यार अगर पीवीपी में अच्छे से यूज़ किया जाए ना तो बढ़िया आएगा मतलब गेम प्ले, पर क्या करें कोई यूज़ नहीं कर रहा। देखो कितना स्ट्राइक पड़ा है इसके पास, बूम एक तो हम भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इसका डैमेज होता ना तब तगड़ा था, लेकिन डैमेज नहीं है तो कितना भी हम लोग आजमा ले मतलब कि डैमेज देने को पर पहुंचा नहीं पाएंगे इसको। डैमेज डिटेक्टर पड़ गया बहुत सही, बूम वो लो कैंसिल कर दी। वाह क्या लो ब्लॉक कर दी। अबे इतने मूव तो हम लोग नहीं कैंसिल करते रेड खेलते समय, कोई भी स्ट्राइक मारते हैं तो कैंसिल नहीं करते, ब्रेकर भी मारते हैं तब भी कैंसिल नहीं करते। हम सोचते कौन सा ये प्रो प्लेयर है इतना, तो ये लोग कैंसिल करते हैं। देखो ले गया, गलती से मैंने शील्ड दबा दी तो ले गया ये। लो भाई टाइम अप तो होने वाला था, मुझे लगा शायद पड़ जाए, उसने स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है रेड वाले जो भी नोट हाई लेवल के होते हैं इतना गंदा मारते हैं वो लोग, इतना गंदा मारते हैं मैं क्या बताऊँ। ठीक है अभी किम्बरली हार्ट डीएस वाली, इसका भी डैमेज 15-14 का ही है तो ठीक है चल जाएगा। सुपर मोड ले लेंगे तो ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। आ जा भाई, वैसे सुपर मोड ज़्यादा डैमेज देने का ट्राई करेंगे, अगर ये स्ट्राइक आउट करता रहेगा ना बार बार तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बच गया ठीक है पड़ गया 3 तीर इसको, बूम ठीक है। हम कैंसिल नहीं करने वाले थे, इसने ब्रेक कर मारा था, बूम परफेक्ट शॉट। आजा 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 ब्लॉक, अरे हुआ ही नहीं क्या बात है, काउंटर हुआ ही नहीं मेरे से काउंटर। हेलो अच्छा वाह क्या मार रहा हूँ मैं, चलो डैमेज देने दो सुपर मोड भर जाएगा इसका। लो लो भैया
मारो मेरा सुपर मोड भरे, उसके बाद तुम्हें धोता हूँ। ना मूवी नहीं करूँगा, मारो जितना तुमको मारना है, मारो मारो मारो। मैं मारना ठीक है, अब भर गया सुपर मोड, अब मारेंगे हम तगड़ा। अरे भैया ब्रेकर कहाँ से लिया आया यार ये? कुछ सोचो, कुछ और होता है प्लानिंग, किसी चीज की और करो, वो कोई और ही जाता है। एक कॉम्बो पड़ा, अब मार नहीं सकते। इसके पास है ब्रेकर, हमारे पास है शील्ड, बहुत सही लिपट गया। इसीलिए मुझे बेकार लगती है किम्बरली डीएस और डैगरन रेड में। वैसे पीवीपी में दोनों अच्छे हैं, पर रेड में दोनों रफ हैं, एकदम टट्टी हैं, दोनों बेकार हैं। मूड ही खराब हो गया पूरा, सुपर मोड लेने का विचार था उसका तो फिर कोड़ा ही हो गया। चलो इसी से काम चलेगा, अब तो कोई अच्छा हीरो बचा ही नहीं है जिससे हम खेले। कोई ना, इससे ही खत्म करते हैं। लेज़र ब्रेक, इसका भी 23-24 हज़ार का डैमेज है, तो 30 हज़ार प्लस ही है। हेल्थ ज़्यादा रह करे यार, 50 हज़ार कम से कम तो हेल्थ रहा ही करे यार। ये लोग एक कॉम्बो में ढिला देते हैं, फायदा कोई है नहीं। आवाज स्ट्राइक मारो, अरे भैया ब्रेकर मार रहा है। आवाज स्ट्राइक मारो, अरे भैया फिर से ब्रेकर मार रहा है। कितना तगड़ा जानता है क्या सब कुछ कि मेरे पास कौन से मूव्स हैं। बहुत सही, ओ लो ब्लॉक कर दी, बहुत सही। ठीक स्वाइप हो गया, ब्रोक कर दिक्कत तो पड़ गया। आओ आओ आओ, एक वाला था मुझे मालूम था क्योंकि मुझे भरना था वो पूरा एक कॉम्बो बनाने के लिए, पर कोई फायदा नहीं। इसने मूवी बेकार आते हैं, क्या बताऊँ मैं। आज इतने मूव्स बेकार आ रहे हैं मेरे स्लॉट में, सब शील्ड ही शील्ड दे रहे हैं और सब सामने वाला सब ब्रेकर ही ब्रेकर चला रहा है। देखो इतने रिप शील्ड स्लॉट में आ रहे हैं मूव्स, मैं क्या बताऊँ। दे देगा अब किन, मैं इसको दे देगा अब किन, मैं इसको खा जाएगा। अरे मर गया बहुत सीढ़ी का, मेरा पड़ जाता तो कुछ जाता क्या। कोई नहीं, ब्लॉक हुआ नहीं और उसका पड़ गया। 10 सिर्फ 10 हेल्थ है उसकी, मतलब 10-15 हज़ार, और उसके लिए एक पूरी एनर्जी वेस्ट होगी। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। अगर एक मूव और उसको पड़ जाता तो क्या जाता उसका। चलो खर्चा हो जाओ, एक एनर्जी वेस्ट करवा दी खा मखा। वैसे भी ज़्यादा एनर्जी बची नहीं थी अपने पास। ब्लैक ड्रैगन भी कंप्लीट हो गया, और आगे जो नोड मिलेंगे उसमें 9% का डैमेज जो हमें है वो प्लस होके आएगा हमारे हीरोज में। यार लेजेंडरी के नाम पे तो इन्होंने दिया है डीवोन का असिस्ट, बहुत सही बेटा। तो गाइस अब खेलेंगे मेगा शॉट और इसे करते हैं ख़त्म। इस बार रेड में से एक भी शार्ट अच्छा नहीं मिला है, अगर एक भी अच्छा मिल गया हो। बूम, थंडर ब्लो, लाइन सर्च, बहुत तगड़ा डिफेंस कर ली, कोई चक्कर नहीं। थंडर ब्लो पड़ जाइए, कम से कम बेइज्जती। और ठीक है क्रिटिकल लग गया, बहुत सही। अच्छा भाई यार हो जा थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन, नॉक हो जा, क्या कर रहा है। आ जा बस बस बस, रुक जा भाई, नहीं रुका मार दिए भाई। ठीक है स्ट्राइक, भैया डिफेंस ले ली, काम खराब। थंडर ब्लो आ जा, थंडर ब्लो आ जा, बहुत सही। और सुपर मोड खलती करती है, रिचार्ज करना चाहिए था मुझे। अच्छी फैच, बहुत तगड़ा। इसको एक तो इसका डैमेज नहीं है साला, क्रिटिकल भी नहीं बढ़ रहा है, जब 2-3 हज़ार का क्रिटिकल ही लग जाए। ओ ठीक है लो भाई, इतनी छोटी छोटी तो इसकी रेंज है, स्वाइप बैक होता नहीं, अगर तुरंत मूव कर दो तो फिर वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है अब किन पड़ेगा, अब किन क्रिटिकल भी नहीं पड़ा, वाह क्या बात। ठीक है लांसर, अब किन भी नहीं पड़ा यार, प्लस में नहीं जा रहा है डैमेज कॉम्बो में, वैसे प्लस में जाता है। देखो 32-27, बहुत सही मुन्ना। कॉम्बो बढ़ के डैमेज क्यों नहीं जा रहा। 32 ही गया, फिर भी 32 ही गया। 37 बम, 64 अब किन सही गया।
ऐसे क्यों नहीं बढ़ रहा था, अगर ये बढ़ रहा होता तो खत्म होने के टाइम पे आ गया। 54 बहुत सही, दो बार लगा बहुत सही। बढ़ के लगता है ना ब्रेक, मतलब कॉम्बो में डैमेज तो सही लगता है, और जब उतना ही दे रहे तो फिर फायदा क्या कॉम्बो मारने का, इससे अच्छा अलग अलग में मार लेंगे। ठीक है इस बार ख़त्म हो जाएगा, तो तीन एनर्जी लगी है भाई इसको कंप्लीट करने में। लेवल 18 का है नोट ये, अगर अपग्रेड रहता, अगर ब्लैक ड्रैगन होता मेरे पास तब तो ये एक में ही मेरे ख्याल हो जाता, पर फिर भी चलो कोई चक्कर नहीं, ब्लैक ड्रैगन का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है इस बार तो खा ही जाऊँगा पूरा ब्रेकर, बहुत तगड़ा 16 ही कर दिया बस, कोई बात नहीं। नॉक हो जा भाई थोड़ी देर के लिए, प्लीज नॉक हो जा यार, हो जा भाई, हो जा एक बार और हो जा बस, अभी एनर्जी मत वेस्ट करो ये एक भी, लो लग रहा भैया वेस्ट करवा के ही मानेंगे। हो जा यार नॉक थोड़ी देर के लिए, क्या जा रहा, हो गया चलो ठीक है, बात मान गया यार। अनमे वाले तो कुछ तो समझदार हैं, उन्होंने बोला कि अब ठीक है मान लेते तुम्हारी बात। ठीक है अब स्ट्राइक है सभी, मारेंगे दबा के ख़त्म करेंगे इसको। 48 क्रिटिकल बहुत सही, अब पीछे हो जाते हैं यार, गलती से कहीं आ जाइए वापस तो पेड़ डालेगा एक ही बार में। ठीक है 48 का फिर से लगा एक फटका, बस 1 लाख के अंदर अंदर है अब तो, 98 के बची है इसकी HP, अब तो खा जाएंगे। दो तीन मूव पड़ जाएं बस, एक बढ़िया सा डैमेज पड़ जाए क्रिटिकल का, ठीक है अब तो ले ही जाएंगे कोई चक्कर नहीं। अरे 32 भैया इसका 64 के लगना था यार, कॉम्बो में मारा था, बेड़ा ही कर क्या। चलो अब ख़त्म, कोई चक्कर नहीं। तो इस बार देखो इसमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, मुझे लगता है तो कुछ अच्छा देंगे, बाकी देखो क्या मिलता है। पबजी इनके ऊपर है भाई, पावर रेंजर वाले के ऊपर। लेवल 17 का ही टायर इसका, मतलब 18 का था रिवॉर्ड भाई, दिया टट्टी एकदम। तो जल्दी आते हैं दोबारा गेम प्ले लेके।